ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण राधे राधे, जय गुरुदेव धन गुरुदेव। पांचवा अध्याय भागवत का स्कंद आठवां, कश्यप अवतार का प्रसंग इसमें कहेंगे। सुखदेव जी ने कहा हे परीक्षित, हरिमंत्र में जो 71 चौकड़ी युग पर नारायण अवतार धार कर तरा की रक्षा करते हैं, चौथे ब्रह्मांडर में हरि अवतार की कथा कही, अब पांचवा मनु चैवत नाम तामस का भाई, मनु के बेटे विभव नाम इंदर, उर्दबाहु हिरण्य, रमादिक सप्तऋषि हुए, वैकुंठ राम स्त्री से सुमेर पर दूसरा वैकुंठ लक्ष्मी जी दे रहने वास्ते बनाया। शेमा चाख्यक नाम मनु हुआ, उसमें पुर आदिक मनु दे बेटे हर्यश्व देव आदि सप्तऋषि हुए, विराज की देव संभुता नाम स्त्री से अजित नाम अवतार परमेश्वर का हुआ, जिन्होंने 14 रतन निकालने का उद्यम किया है। तब परिषद ने पूछा, भगवान ने किस तरह अपनी पीठ पर पर्वत उठाया? सुखदेव जी ने कहा, देवता और दैत दोनों भाई कश्यप के पुत्र आपस में ईर्ष्या रखते हैं, कभी वो राजा होते हैं कभी वो रोते हैं। जिस तरह संसारी जीव जमीन पर चलते हैं, इस तरह स्वर्ग में भी जमीन पर चलने को है, उस पर महात्मा चलते हैं। एक दिन इंद्र ऐरावत पर चढ़कर कहीं चला जाता था, रास्ते में दुर्वासा मिले, इंद्र ने दंडवत करी, उन्होंने अपने गले की माला पहनने को दी, वो इंद्र ने लेकर हाथी के गले में पा दी और अपमान से बोला, इससे चंगी माला स्वर्ग में है। तब हाथी ने वो पैरों से गिरा दी। उसने चेले रखीशर को कहा, रखीशर ने श्राप दिया, तेरा राज्य तन सब नष्ट हो जाएगा। ये बात राक्षसों ने सुनी, लड़ाई कर उसका राज छीन लिया। तब उधर इंद्र ने ब्रह्मा जी के पास जाकर सब हाल कहा। ब्रह्मा ने कहा, मेरी समर्थ नहीं, चलो नारायण जी पास चलते हैं। सब मिलकर देवताओं समेत खीर समुद्र में गए और प्रार्थना करी कि हमारा राज राक्षसों ने छीन लिया है, क्या करें, आप दी शरण आए हैं, आप हमारा दुख दूर करो। पांचवा अध्याय समाप्त। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।